हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट गाइस अगर आपने आईबीपीएस बी का या नबार्ड का या एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वैराइटीज़ ठीक है वैराइटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में पूछे ही जाते हैं सो आई बी डूइंग वेराइटीज़ विद यू करंट अफेयर्स में तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं नाउ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वाज आई का वेबसाइट के थ्रू मैं जा रहा था आई का जो वेबसाइट है uh, तो उसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ मिले हैं ठीक है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अराउंड थ्री फोर वीडियोज़ के अंदर मैं इसको डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया so, है सो बेसिकली हमारा यहाँ पर एजेंडा क्या रहेगा कि हम इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ को डिस्कस करेंगे ओके अराउंड फोर्टी टू वेराइटीज़ द स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट में तो आपकी वेराइटीज डिस्कस हो ही रही हैं वो तो अलग चीज है जो नई वेराइटीज न्यूज के अंदर या पी के अंदर है वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम डायरेक्टली जो आईएआरआई का वेबसाइट है उससे इसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट यही है चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें वीडियो को लाइक like करें कमेंट करें ठीक है जो भी अच्छा बुरा आपको लगे उसको कमेंट करें चलिए शुरू करते हैं तो सीरियल्स का वेराइटीज देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले बारले बादले की वन इंपॉर्टेंट वेराइटी दैट इज मैं शीतल देखो एक तो इसका आप कह सकते हो जो न्यूमेरिकल नेता है बी एच एस फोर हंड्रेड है इसमें से सवाल पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं जब आपका मेजर नेम कॉमन नेम गिवन होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो यही पूछता है कि पूसा शीतल जो है ये किस क्रॉप का वेराइटी है ईयर ऑफ रिलीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं पूछता पेपर के अंदर कि किस साल रिलीज हुआ था तो इसको इग्नोर कर सकते हो ठीक है करेक्टरिस्टिक्स uh, की अगर हम बात करें तो uh, बारले का जो ये वेरायटी है इसके अंदर जो हल होता है दैट इज़ रिमूव्ड ठीक है हल्ड बेसिकली वेराइटी है हल रिमूव का क्या मतलब होता है जो सीड होता है ना हल क्या होता है सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है तो वो कवरिंग को यहाँ पर रिमूव किया होता है इस वेराइटी के अंदर आपको ये हल नहीं मिलेगा ओके सेमी प्रोस्ट्रेट ग्रोथ इसकी रहती है बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ इसकी नहीं रहती है क्लोज़ टू द ग्राउंड प्लांट हाइट अराउंड 83 सेंटीमीटर रहती है 168 डेज के अंदर मिच्योर हो जाता है एंड खास बात यह है कि ये स्ट्राइप रस्ट जो होता है बार्ले के अंदर उसको रेजिस्ट करेगा एवरेज एल्ड अराउंड थ्री पॉइंट टू का रहेगा और प्रोडक्श प्रोडक्शन कंडीशन के लिए रेनफेड कंडीशन में आप इसको ग्रो कर सकते हो ठीक है जहाँ पर आप टाइमली सीड्स को शो कर रहे हो फर्टिलिटी जहाँ पर लो है तो उन एरियाज के अंदर रेनफेड और लो फर्टाइल लैंड्स के अंदर आप इस पर्टिकुलर वेराइटी को यूज़ कर सकते हैं ये थ्री पॉइंट टू इज़ बेसिकली क्विंटल्स ओके पर हेक्टर ओके सो दिस इज समथिंग प्रोस्ट्रेट ग्रोथ जो भी मैं आपको बता रहा था ना कि सेमी प्रोस्ट्रेट ग्रोथ होती है क्लोज टू द ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट है बेटा आपका चिकपी चिकपी का वेराइटी के अंदर लॉन्च हुआ था प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग का मतलब प्रभु ब्रांचिंग प्रभु क्या होता है कि ब्रांचिंग जो है वो अच्छी होती है घनी होती है सीड्स इसके लार्ज होते हैं एवरेज एल्ड 1.6 का रहता है और प्रोडक्शन कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ सो दिस इज़ वन पॉइंट सिक्स टन पर हेक्टेयर गाइस ओके प्रोडक्शन कंडीशंस की एवरेज एल्ड लेकिन कोई पूछने नहीं वाला है अलग से वराइटीज़ का एवरेज uh, एल्ड और ईयर ऑफ रिलीज़ इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो ठीक है इन दोनों को मैंने यहाँ पर टेबल में डाले जरूर है लेकिन इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो इसमें से सवाल नहीं आएगा प्रोडक्शन कंडीशंस की बात करें तो राबी सीजन का क्रॉप uh, है रेनफेड कंडीशन में और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है ठीक है बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा चिकपी का एक दूसरा वेराइटी है विच इज कॉल्ड बीजीडी ट्रिपल वन वन ये भी देसी चिकपी का वेराइटी है 2017 के अंदर अगेन लॉन्च हुआ था याद करने की जरूरत नहीं है विल्ट रेजिस्टेंट है इसके सीड्स कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं एवरेज को इग्नोर कर दीजिए राबी सीजन का है रेनफेड कंडीशन एंड अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन थर्ड वेराइटी ऑफ चिक्पी एस पूरी जीरो डबल टू काबुली बेसिकली वेराइटी है और एक्स्ट्रा लार्ज सीड्स होते हैं इसके थर्टी सिक्स टू फोर्टी ग्राम पर हंड्रेड सीड्स का जो है सीड वेट होता है इसके अंदर एवरेज और ईयर ऑफ रिलीज अगेन इग्नोर कर दीजिए प्रोडक्शन में राबी रेनफेड मीडियम ड्यूरेशन को याद रखिएगा ड्यूरम ड्यूरमीट ड्यूरम बीट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक वेराइटी है विच इज कॉल्ड पूसा मालवी वेरी इंपॉर्टेंट एच डी फोर सेवन टू एट टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर आया था सेमी थामीडो वेराइटी है नाइनटी सेंटीमीटर तक का हाइट अटेन करता है ठीक है टेलरिंग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई चाहिए 120 दिन के अंदर इसकी मेचोरिटी हो जाती है एवरेज इल्ड जो है वो फोर फाइव पॉइंट फोर टू टन्स पर हेक्टेयर का रहता है एवरेज इल्ड इसको आप इग्नोर कर दीजिए ठीक है और अगर हम बात करें तो जो इसके ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं लस्टर्स का क्या मतलब होता है शाइनी होते हैं और ये जो ग्रेन्स होते हैं स्टेम और लीफ रस्ट दोनों को रेजिस्ट करेंगे जो ड्यूरम बीटेक प्रॉब्लम फेस करता है ओके सुपीरियर क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका सेमोलिना बेस्ड इंडस्ट्री है सेमोलिना बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है जो आपकी पास्ता एंड ऑल की इंडस्ट्रीज होती है ना पास्ता पिज्जा वगैरह सब जो इंडस्ट्री होती है जो पास्ता आपका बनता है ठीक है तो उन प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी इसको कंसिडर किया जाता है विद लीस्ट येलो बेरी इंसिडेंस येलो इंग जो हो जाती है उसके अंदर वो लीस्ट चांसेस होते हैं काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी वेराइटी इसको कंसिडर किया जाता है

ओके एंड हंड्रेड डेज के अंदर मेच्योर हो जाता है ये इसकी बहुत अच्छी बात है बहुत अर्ली मेच्योरिंग है और क्योंकि अर्ली मेच्योरिटी हो जाती है तो जो मॉइस्चर और हीट स्ट्रेस होता है ना सेंट्रल इंडिया के अंदर उससे ये बच जाता है एवरेज इल्ड को आप छोड़ दीजिए प्रोडक्शन कंडीशन में रेनफेड और अर्ली बेसिकली uh, आप इसमें सोइंग करें हंड्रेड डेज के अंदर ये मेच्योर हो जाएगा देन वी हैव मेज मेज की वेराइटी है योर पूसा विवेक क्यूपी एम नाइन इंप्रूव के अंदर रिलीज हुआ था काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है क्योंकि पहला प्रो विटामिन ए रिच मेज हाइब्रिड है प्रो विटामिन ए रिच मेज हाइब्रिड प्रो विटामिन क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं प्रो विटामिन बेसिकली वो सब्सटेंस होता है दैट मे बी कन्वर्टेड विद इन द बॉडी टू अ विटामिन ये ओरिजिनली विटामिन नहीं है ठीक है जब ये रॉ फॉर्म में है जब ये आपकी टेबल के ऊपर रखा है तो ये विटामिन नहीं है प्रो विटामिन क्या होता है जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर एंजाइम्स आपकी बॉडी के काम करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर ये प्रो विटामिन आपके विटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जी द टर्म प्रो विटामिन इज यूज इट इज डिजायरेबल टू लेबल अ विद और नो विटामिन एक्टिविटी ठीक है कोई विटामिन एक्टिविटी नहीं है या बहुत कम विटामिन एक्टिविटी है लेकिन ये एक एक्टिव विटामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर के आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इसके ऊपर एक्ट करेगा ठीक है तो प्रो विटामिन ए में रिच है आपका पूसा विवेक के उम नाइन इंप्रूवड और इसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ जीन प्रेजेंट है कॉल्ड एज ओपेक और इसकी वजह से इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन ट्रिप्टोफेन और लाइजीन ये दोनों क्या है दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स काफी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है मल्टी न्यूट्रियट है ये काफ़ी एक अच्छी बात है और अर्ली मेच्योरिंग हाइब्रिड वेराइटी है प्रोडक्शन कंडीशन की बात करें तो खारिफ सीजन के अंदर इरीगेशन में इट कैन ग्रो गुड द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ मेज इज़ पूसा एच एम फोर इम्प्रूवड अगेन टू थाउजेंड सेवेंटीन ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है एच एम फोर वेराइटी होती थी पहले मेज़ की उसी का एक इम्प्रूव वर्जन है ठीक है प्रोटीन क्वालिटी इसके अंदर इम्प्रूव कर दी गई है और प्रोटीन की क्वान्टिटी को भी इम्प्रूव कर दिया गया है ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसके अंदर आपको मिलेंगे अगर आप देखो परसेंटेज तो एच एम फोर के अंदर ट्रिप्टोफेन पॉइंट फाइव एट था इसमें पॉइंट नाइन वन हो गया एच एम फोर के अंदर जो आपका

मीडियम मेच्योरिंग हाइब्रिड है और 95 डेज के अंदर ये 75 परसेंट मेच्योरिटी जो है वो अटेन कर लेता है प्रोडक्शन कंडीशन अगेन खारिफ एंड इरिगेटेड ओके देन वी हैव पूसा एच एम नाइन इंप्रूव अगेन सिमिलर सिचुएशन ठीक है कि इसके अंदर भी एच नाइन एक वर्जन था उसका इंप्रूव्ड वर्जन है ये और uh, अगेन प्रोटीन क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है बढ़ जाती है और 75 परसेंट ड्राई हस्क जो है ये 89 डेज के अंदर अटेन कर लेगा अगेन खारिफ एंड इरीगेटेड क्रॉप है ऑल इट गाइस सो दिस इज इट ठीक है इसी तरीके से पाँच छह पाँच छह वेराइटीज करेंगे एक लेक्चर के अंदर सारी नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो एक ओवरलोड हो जाता है, है ना तो इसी तरीके से चलेंगे और ये आपकी सारी वेराइटीज़ जो आइए आ रही की हैं कवर हो जाएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके देखते हो इनमें से बहुत सारी वैरायटीज ऑलरेडी पेपर के अंदर पूछी भी जा चुकी हैं ठीक है बेटा चलिए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल टेक केयर गाइस